क्या है आचार्य जी? बिल्कुल, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि सीधा आपके तकदीर से उनका कनेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने आप कुछ अत्याचार कर बैठते हैं। मतलब अत्याचार शब्द ये कि ऐसा नहीं कि आप किसी को मारते पीटते हैं, लेकिन आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि सामने वाला आपसे प्रताड़ित हो जाता है और वो अत्याचार से कम नहीं होता। एक एक चीज बताएंगे कि मन में पश्चाताप तो आ ही जाता है कि ऐसा किया क्यों, लेकिन साथ ही साथ मालूम है आपका किया हुआ एक छोटा सा भी गलती आपका ही रास्ता, आपका ही तकदीर रोक देता है और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जी हाँ, तो हर रोज आप कितने अच्छे कार्य करते हैं और किसको कितना परेशान करते हैं, यानी कि आप दिन में पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं या पाप, और इनका कैसे सीधा असर होता है आपकी तकदीर पर, विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज की दिव्य स्तुति की, सुनते हैं। आज की दिव्य स्तुति समर्पित है भगवान श्री राम को। ध्यान से सुने। आपदाम भर्तारम दातारम सर्व संपदामम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामेह। राम है राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ है नाथ है सीतापते नमः। अर्थात सभी आपदाओं को हरने वाले, सभी संपदाओं को देने वाले, सभी लोगों के स्वामी सीतापति श्री रघुनाथ जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। और ये राम जी का ऐसा दिव्य स्तुति है कि मन से लेके आत्मा तक शांत करता है। जी हाँ, मन को शांत करने वाला मंत्र आपको आचार्य जी ने दिया। और कॉलर्स भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारावंती हैं हमारे साथ हनुमानगढ़ से। तारावंती जी स्वागत है, पूछिए आप। मैडम नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, चरण सप्तज प्रणाम। जय हो, आशीर्वाद है आचार्य जी। मैं, मेरा जन्म है 31 मई 1974 का जी, श्री गंगानगर राजस्थान का जी। समय तो सर मैं समय और बता दीजिए तारावंती जी। समय शाम का 8:15। 8:15 जी, बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है कि सर मैं बचपन से ये मेरे साथ यही हो रहा है कि जिनसे भी माता पिता के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, ससुराल में पति से या बच्चों से, किसी का भी जिनके लिए मैं संघर्ष करती हूँ, जिनके बारे के लिए अच्छा करती हूँ, वही मेरे दुश्मन हो जाते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं जी। ऐसा क्यों है सर मेरे साथ है? जरूर देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और कन्या राशि बनती है, शनि की महादशा चल रही है, सप्तम भाव में सूर्य केतु के साथ ग्रसित होकर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगी तो सामने वाले को लगता है कि आप जानबूझ के बोल रही हैं, ताना दे रही हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, समस्या भी नहीं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। उपाय बता रहे हैं, बड़ा सिंपल उपाय है। करना क्या है, सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए और प्रत्येक रविवार को अपने ही घर में कुछ मीठा बना के घर के सभी सदस्यों को खिलाना शुरू कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, फिर आप चमत्कार देखेंगी, कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं सोचेगा। जी हाँ, तो बात हो रही है व्यवहार की, बर्ताव की। आचार्य जी, हम कई बार देखते हैं माता पिता बच्चों को फटकार लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके भले के लिए होती है वो फटकार, ये बात हमें भविष्य में आकर पता चलती है। लेकिन उस समय माँ बाप ही हमें दुश्मन लगने लगते हैं, जबकि वो हमें अच्छे के लिए कहते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भी किसी तरह के ऐसे योग या ग्रहों की कुछ दिशा होती है जिसकी वजह से औलाद को माँ बाप की फटकार लगती है? बिल्कुल, बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप या बच्चों को घर में फटकार मिलती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी फटकार देते हैं माँ बाप को। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। उचित फटकार, अधिकार से जब फटकारते हैं अलग चीज है, लेकिन कोई बच्चा आपके पास आए और आपने उसको दुत्कार दिया, फटकार दिया, भगा दिया, दुखी होता है। ऐसे माँ बाप ने, बुजुर्ग माँ बाप है, उन्होंने कहा, कुछ कहा, आपने डांट के चुप करा दिया, तो ये समझिए कि पितृ दोष का निर्माण हो रहा है। सूर्य और बृहस्पति आप खुद अपना खराब कर रहे हैं, क्योंकि सीधा इस फटकार का असर जो अनुचित हो उसका सीधा मानसिक पटल पे पड़ता है, तो सूर्य और बृहस्पति खराब होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जानते हैं क्या होता है, आपकी बरकत रुक जाती है और लगातार असफलता आपको मिलती जाती है। आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए।
बड़ों का आशीर्वाद लें, उनकी जरूरत पूछें और जो बच्चे हैं उनके सर पे हाथ जरूर फेरा करें, हमेशा फटकारे नहीं। हाँ, वो भी समझते हैं कि उनके लिए उचित फटकार क्या है। नित्य सूर्य दर्शन करें, जब भी आप घर पहुंचे खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेके आए, बरकत बनी रहेगी, घर में संपन्नता रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप फटकारने के बाद खुद पश्चाताप की आग में जलने लगते हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इस पश्चाताप से भी मुक्ति मिल जाएगी। और अब समय हो चला है लकी कॉलर को फोन लगाने का, चलिए लगाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में कौन बनेंगे लकी कॉलर, डायल करते हैं फोन। तो हमारी लकी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर और खासकर हमारे इस कार्यक्रम कल आज और कल में। आप हमारे लकी कॉलर बने हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विनोद है जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई भी आपको कार्यक्रम का लकी कॉलर बनने के लिए। आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, हरियाणा से आप बोल रहे हैं, चलिए। तो आपको मौका मिला है आज कार्यक्रम में ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान लेने का, अपने सवालों का जवाब लेने का। आप पूछ सकते हैं सवाल, अपना डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 2 सितंबर 1987 और टाइमिंग है मेरी 1 बजे से 2 बजे के बीच में आफ्टरनून को सर, पीएम में है। और कहाँ का जन्म है? हाँ जी, कैथल हरियाणा का जी। अच्छा विनोद, आप क्या जानना क्या चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं काफी टाइम से एक स्पोर्ट स्केल पे क्रैश का काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत लार्ज स्केल पे करना चाहता हूँ। ये कब तक मेरी मतलब मनोकामना है, कब तक पूर्ण हो जाएगी, मैं अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊंगा या नहीं? जरूर देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और धनु राशि बनती है आपकी। सूर्य की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है और समय 9 जनवरी 2017 से, ये समय नोट कर लीजिए, ये वो समय है जहां से आपकी जिंदगी की सफलता शुरू होती है और कभी भी विफलता नहीं मिलेगी। उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, पुखराज धारण कीजिएगा और रविवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा विकलांग बच्चों में, विकलांग लोगों में, अंधे बच्चों में कुछ ना कुछ वस्त्र हो गया, फल हो गया, अन्न हो गया, दान देते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े उस पे दीजिए, पैमाने पर दीजिए, लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन ये दान की प्रवृत्ति अपना लीजिए, सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास तमाम मौका होता है और धन धान्य भी होता है, बावजूद इसके हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमें मदद नहीं मिल पाती। इस तरह के योग क्यों बनते हैं कि हमारे पास धन है, अन्य साधन है, लेकिन जब हमें किसी की मदद की जरूरत है वो मदद हमें नहीं मिल पाती? बिल्कुल सही कह रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर तरह से संपन्नता रहती है, धन है, हर चीज है, सारे साधन है, लेकिन होता क्या है कि जब किसी की भी सहायता करने की जरूरत होती है या आपकी ही कोई सहायता करने की जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति मौके पे खड़ा नहीं हो पाता, मुंह चुरा लेता है, कहीं ना कहीं सहायता से इंकार कर देता है। किसी भी अकस्मात स्थिति में, मजबूरी में अगर आप साथ नहीं दिए किसी का भी, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, बाद में क्या होता है, पश्चाताप में घिर जाते हैं। मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हो गई, आपसे गाड़ी मांग ली, आपने मना कर दिया, ये भी एक पश्चाताप है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी संपन्नता और आपकी सफलता पर खुशी, जो खुशी है घर में, उस पे मान के चलिए कि ब्रेक लग जाता है, ताला लग जाता है। पितृ, आपके पितृ भी दुखी होते हैं इस आपके काम से और भविष्य में संतान को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो मौके पर अगर सहायता नहीं की है किसी का तो मान के चलिए कि आपको भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपसे जो भी बन पड़े वो जरूर कीजिए, मौके पर किसी की भी सहायता हो जरूर कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा करें और कुछ ना कुछ दान देने की आदत डालिए, रोगियों की सहायता कीजिए, तो जिंदगी में बरकत बनी रहेगी आपकी। जी हाँ, तो अगर आप धन धान्य से संपन्न हैं तो जरूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए, इससे आपकी सुख सुविधा और ऐश्वर्य में निश्चित तौर पर इजाफा ही होगा। अगली कॉलर मुंबई से है, सुनीता जी स्वागत है, पूछिए आप। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सुनीता, क्या सवाल है आपका, डेट ऑफ बर्थ बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। जी जी प्रणाम। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और आपके जो छोटे छोटे उपाय बताए थे मैं सब कर लेती हूँ, छोटे उपाय के।
जी। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं सुनीता। 25/12/2002 और जन्म है रात के 11:42 मुंबई का। जी, सवाल पूछ। क्या सवाल है बेटे के लिए? उसका अभी उसका 9-10 कैसा जाएगा और वो आगे जाके किस फील्ड में जाएगा और उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? जी जरूर, देखिए सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह राशि बनती है और शनि की प्रथम अढ़ैया सिंह राशि पर चल रही है। चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा, पढ़ाई लिखाई सही जाएगी। विद्या भाव में बुध आदित्य योग बना है तो पढ़ाई लिखाई में कोई भी जरा सा भी संशय नहीं है। हाँ, जिंदगी में आगे बढ़े इनके लिए हम आपको जरूर उपाय बताएंगे। इनको 5.25 रत्ती का मूंगा जरूर धारण करवाइए क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर हम बता रहे हैं कि मूंगा जरूरी है। और साथ ही साथ बच्चे के हाथ से, जो छोटे छोटे बच्चे हों जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया हो, गरीब बच्चे हों, उनमें पेन पेंसिल कॉपी ये बंटवाना शुरू कीजिए, आपको विद्या का लाभ होगा। और वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। मूलांक के अनुसार आपको आपके लकी नंबर बताएंगे, महिलाओं की सेहत की बात करेंगे, कुछ और डिस्कशन पे विस्तार से आचार्य जी से बात करेंगे। लेकिन कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम आप देखना नहीं भूलेंगे। 7 जन्मों का रिश्ता होता है शादी, क्यों एक जन भी नहीं निभा पा रहे, क्यों नौबत तलाक तक पहुंच जाती है, क्या करेंगे उपाय, आपको बताएंगे कल के कार्यक्रम में सुबह 8 बजे कल आ जाओ कल में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। कानको अरिगातो। सर नमस्ते सर, विल शो यू द इंडिया था द लैंड ऑफ सारा द लैंड। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। शिवा खुशियों का तरह वदशी का नई शिमशो खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में कर खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कला जो कल में स्वागत है। हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपके व्यवहार से आपकी तकदीर जुड़ी होती है, आपके कर्म से आपका भाग्य प्रभावित होता है। तो अगर जरूरतमंदों की आप मदद करेंगे, माँ बाप सही बात पे बच्चों को डांटेंगे तो आपको कभी भी इनके दुष्प्रभाव झेलने नहीं पड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग छोटे छोटे लालच और स्वार्थ के चलते लोगों का दिल दुखा देते हैं, इसके भी कुप्रभाव होता है और इसके भी दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं आपके मूलांक के अनुसार आज का आपका लकी नंबर। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर का, आधार रहेगा आपका मूलांक। शुरू करते हैं मूलांक एक से। मूलांक एक के लिए 28 नंबर, मूलांक दो के लिए 12 नंबर, मूलांक तीन के लिए 11 नंबर, मूलांक चार 15 नंबर,
मूलांक 5 19 नंबर, मूलांक 6 के लिए 16 नंबर, मूलांक 7 के लिए 14 नंबर, मूलांक 8 के लिए 5 नंबर और मूलांक 9 के लिए 6 नंबर। ये आपका सीक्रेट नंबर है, इसकी गोपनीयता बना के रखें, 24 घंटे अपने पास रखें, चमत्कारिक नंबर है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ और लालच के पीछे किसी का मन दुखा देते हैं और पाप मोल ले लेते हैं। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है? अच्छा जी, आपकी बात सही है। बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और अपने स्वार्थ के लिए बहुत छोटी छोटी बातों से सामने वालों का दिल दुखाता है। यह छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध है। शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शनि मंगल आपका विनाश कर देते हैं आपके इसी आदत से। आपको कष्ट हो चाहे ना हो लेकिन आपकी संतान नहीं बचती, भोगना पड़ता है उसको। आपके इस पाप को आपकी संतान भोगती है आपके आंखों के सामने। उपाय कीजिए, लालच त्याग दें, कभी किसी की बुराई ना करें, छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ दीजिए, लालच त्यागिए, जरूरतमंद को यथाशक्ति सहायता करें, किसी को मानसिक कष्ट ना दें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। गाय हो गया, कुत्ता हो गया, पंछी हो गई, इनको भोजन देना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, शनि और मंगल की प्रबलता बढ़ेगी और इस छोटे छोटे स्वार्थ से आप भी दूर रहेंगे, संतान भी सुखी रहेगी आपकी। और चलिए बात होगी आपसे हम में महिलाओं की सेहत की। अगर आप अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं और स्वस्थ आप नहीं रहती हैं तो क्या करेंगी उपाय, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जलगांव से हमारी एक कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम? मैम निशा, जलगांव। निशा, निशा जी स्वागत है आपका। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1989 और समय है सुबह के 10:30 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ है मलकापुर, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जी जी, मेरा सवाल है कि ये एमटेक कर रही है, इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, एमटेक कर रही है जी। और ये 2-3 साल से अच्छी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही है, तो इसको कभी क्या सरकारी नौकरी मिल पाएगी और या फिर उसको प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि गुरु जी कभी विदेश जाएगी क्या? जरूर। देखिए, धनु लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है, राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा। नौकरी के लिए प्रयासरत रहे क्योंकि सरकारी नौकरी की संभावना है लेकिन विलंब से है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर प्राइवेट नौकरी भी मिलती है तो 2019 तक प्राइवेट नौकरी ही करें, सरकारी नौकरी मिल जाएगी सरकारी नौकरी कर लीजिएगा। रही बात विदेश की, तो देखिए विदेश में स्थिरता नहीं है लेकिन आना जाना लगा रहेगा। सूर्य नीच के हैं कुंडली में, सूर्य का उपाय करना पड़ेगा क्योंकि भाग्येश जब नीच के हो जाते हैं बड़ी अड़चने आती हैं। माणिक पहनिए और जहां तक हो सके रविवार का उपवास कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो परिवार में महिलाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है, अगर महिला स्वस्थ है तो निश्चित तौर पर उसका परिवार भी फलेगा फूलेगा और स्वस्थ रहेगा। अक्सर महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती लेकिन आपको बताएंगे ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपको सेहतमंद बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे। चलिए देखते हैं महिलाओं के लिए आपसे हम में सेहत का उपाय। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप ही से घर का आधार है। कई बार ऐसा होता है कि मुख से गंध आने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, बात करते हुए आपको भी एहसास होता है कि बात कर रही है तो मुंह से श्वास के द्वारा दुर्गंध आ रहा है। सिंपल और छोटा उपाय है, गुनगुने पानी में फिटकरी को घोल लीजिए, थोड़ा सा फिटकरी लीजिए, कुल्ला करना शुरू कीजिए, दिन में एक बार कीजिए और दिन में एक बार दो बार लौंग रखना शुरू कीजिए मुंह में, तो क्या होगा कि जो श्वास का दुर्गंध है कभी नहीं आएगा और जो आदमी आपके सामने खड़े होकर बात करने से हिचकिचाते हैं वो कभी नहीं हटेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे।
अगली कॉलर महाराष्ट्र के दुलिया से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पूजा है। हाँ पूजा जी, स्वागत है, बताइए, डेट ऑफ बर्थ भी बताइए, सवाल पूछिए। जी मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। थोड़ा तेज बोलिए आप। हाँ तो मेरा उनका बर्थ ऑफ डेट है 9 दिसंबर 1976। 9 दिसंबर 1976 रात 9:30 बजे। जी, कहाँ का जन्म है? जलगांव, चालीसगांव डिस्ट्रिक्ट, जलगांव। चलिए आप सवाल पूछिए उनके बारे में। जी इतने पति नहीं है, इतनी परेशानी है, बहुत ही आर्थिक कुछ भी करते हैं तो उसको सक्सेस नहीं होते है। पहले ऐसी बात थी, बहुत ही पैसे थे उनके पास, अभी तो कोई भी व्यवहार कुछ भी करते थे है, तो पैसे ही नहीं रहते घर में। बताते हैं, देखिए कर्क लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, आर्थिक समस्या आप बिल्कुल सही कह रही हैं है। बुध की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, जबकि कुंडली में बुध जिस भाव में बैठे हैं वहां से आपको आर्थिक समस्या देते ही देते हैं, यहां तक कि मानसिक तनाव भी कलह भी रहता है घर में। उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, इनको बोलिए मोती धारण करें और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दीजिए, सारी समस्याओं का निजात मिल जाएगा। अगले कॉलर रमेश है हमारे साथ भीलवाड़ा से, स्वागत है रमेश जी, पूछिए आप। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए पंडित जी। मेरे क्या समस्या, मेरे कर्जा हो गया बहुत और व्यापार करूं, नौकरी करूं, समझ में नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइए रमेश जी। 15 मार्च 1965। समय सुबह का 6:50। कहाँ का जन्म है? भीलवाड़ा। जी तो काफी घाटा आ गया है और नौकरी करें। बिल्कुल, मीन लगन की कुंडली बनती है, कर्क राशि बन रही है, मंगल की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा जा रहा है, उस व्यापार से ज्यादा, कामकाज से ज्यादा मानसिक उतार चढ़ाव ज्यादा है घर में। आपको हम उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और आगे का रास्ता भी आपका तय हो जाएगा। करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के प्रांगण में जाकर केले के पौधे का रोपण कीजिए और उनको सींचे जब तक वो बड़े ना हो जाएं, और जैसे जैसे केले का पौधा बड़ा होता जाएगा आप अपनी प्रगति देखते जाइए, बहुत छोटा उपाय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के कल आज और कल में इतना ही, लेकिन कल ठीक 2:30 बजे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। आपको कल कार्यक्रम में हम बताएंगे कि किस तरह से सास और बहू के रिश्ते मधुर हो, परिवार स्वर्ग बने। कल देखना नहीं भूलिएगा 2:30 बजे। देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।